और ये इसको क्या बोलता है, ये चड्डी ले ली मैंने पापा के लिए, ये चूतिया मेरी दीदी, देखो क्या लाना चाहिए, ये खुद डॉक्टर। मैं तो यार भाई मजदूर मजदूर इंसान हूँ, जो मिला मैं उठा के लेके आई बाजार से। मजदूर को क्या पैसा नहीं मिलता है क्या? ये नौकरी कर। Hey guys, कैसे हो आप लोग, और स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो जो होने वाली है वो मेरे डेली ब्लॉग में से एक है, जिसपे मैं जा रही हूँ अपने नए घर के लिए फर्नीचर खरीदने। जी हाँ, फर्नीचर में डाइनिंग टेबल रहेगा और आपका सोफा। गुवाहाटी में जितने भी दुकान है, जितने भी शॉप है फर्नीचर की, सब मैंने खंगाल लिया, सब देख लिया, लेकिन फर्नीचर पसंद नहीं आया। लेकिन फाइनली आज जाऊंगी, ऑर्डर करूंगी फर्नीचर। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बनते रहिए, आपको टूर कराते हैं गुवाहाटी का सभी फर्नीचर दुकान की। और एक बात है, आप सभी को पता ही है, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम बिहू आ रहा है, शुरू होने जा रहा है 14 अप्रैल से। तो बिहू का भी शॉपिंग करूँगी आज मैं, मम्मी पापा के लिए कुछ सामान खरीदूंगी, ऑफ कोर्स मेरे लिए भी खरीदूंगी। तो वीडियो पे बनते रहिए आखिरी तक। ये मेरा स्कूटी, ये 5-6 साल पुरानी हो गई, इसी स्कूटी से जाऊंगी, अकेले जाऊंगी यार मैं आज, अकेले घूमूंगी। तो चलिए घूमिए मेरे साथ पूरी गुवाहाटी। और एक बात बताओ गाइस, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या, मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, या मैं बोलती अच्छी खराब बोलती हूँ क्या मैं, यार क्या हो गया आप लोगों को? एक साल से चैनल चला रही हूँ यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, थोड़ी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोस पे तो ज़रूर बोलो, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। तो मतलब ऐसे यार मुँह मत लटकाओ यार, प्लीज़ यार। तो गाइस, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और मेरे पुराने बहुत वीडियो डाली हुई है, कंटेंट चेक करना, एक बार चेकआउट करना प्लीज़। तो चलो बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। टन टन। तो गाइस, ड्राई सीजन है ना, स्कूटी से जाऊंगी, तो वैसे भी काली तो हुई, और काली मतलब नहीं होना मुझे, धूप भी है इसलिए मतलब ये सब थोड़ा प्रोटेक्शन ले रही हूँ धूप से बचने के लिए, स्कूटी चला के जाऊंगी ना, तो थोड़ा प्रोटेक्शन तो चाहिए होगा। देख लो माय लुक, लेट्स गो डाउन टन टन। तो गाइस कितनी अच्छी लग रही है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ ये कैसी लग रही है। साइज फर्नीचर दुकान में वेट कर रही हूँ यार, जो मैनेजर है वो थोड़ा बिजी है, अभी ऑर्डर वगैरह करूँगी, पसंद आ गई है, साइज़ का थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारा फर्नीचर है यहाँ पे, देखो एंजॉय करो फर्नीचर। तो गाइस, एक एल शेप का फर्नीचर मतलब सोफा ऑर्डर कर लिया अभी, तो अभी भूख लग रही है, खाना खाऊंगी। 10-15 दिनों में सोफ़ा आ जाएगी घर पे, इंस्टॉलेशन का वीडियो ज़रूर डालूंगी। तो अभी यार भूख लग रही है, एक चिकन रोल ऑर्डर किया है मोमो घर में, देख लो पेट पूजन करेंगे अभी। ला 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 ला, तक गर्मी पड़ी है बहुत ज़्यादा, मोमो घर में चिकन रोल खा लिया, तो अभी देखती हूँ क्या करते हैं। सोफ़ा वगैरह तो ऑर्डर कर लिया हूँ, तो अभी शायद फैंसी बाज़ार की ओर जाऊँगी बिहू का कुछ सामान खरीदने बिहू के लिए। चलो गाइस, फैंसी बाज़ार आ गई हूँ गाइस, स्कूटर पार्किंग कर दी, अभी जा रही हूँ बाज़ार की ओर, देखते हैं क्या खरीदते हैं, क्या नहीं, क्या मिलता है। बहुत भीड़ है, पार्किंग मिल ही नहीं रही थी, फाइनली मिल गई, एक छोटा सा जगह में डाल दिया अपना गाड़ी। तो चलो अब बाजार की ओर, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, व्यू का शॉपिंग करने के लिए सारे असम वासी आ गए, सॉरी सारे गुवाहाटी वासी यहीं पे आ गए। चलो दोस्तों, हाल देख रहे हो, ओ भाई इसको देख, इतना ज़्यादा भीड़ है ना, कुछ ले ही नहीं पा रही हूँ। मम्मी के लिए एक नाइटी ले ली फाइनली, नाइटी दिखाऊंगी घर जाके, ओके वेट करो, अभी तक एक नाइटी हुआ है बस और कुछ नहीं हुआ है।
यार अभी शाम ही हो गई, मुझे तो कुछ धन की मिल ही नहीं रही है बाजार में। चलो यार तो गाइस देखो ये दो चप्पल अभी खरीदूंगी। दो चप्पल, एक पाम शू और एक होगा सैंडल। शॉपिंग हो गई गाइस, पूरी फैंसी वगैरह छान मार ली, पापा के लिए खरीदा, मम्मी के लिए, मेरे खुद के लिए दो जीन्स ली, सैंडल वगैरह लिया। तो चलो घर जाकर दिखाती हूँ आप सबको क्या क्या खरीदा मैंने फैंसी बाजार से। बीहू शॉपिंग बोलते इसको, कम ऑन लेट्स गो। तो गाइस ट्रैफिक सिग्नल है यार, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है ना, पूरी चला गया मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, घर जा रही हूँ। तो गाइस आ गई घर में अभी, तो यार ये लो मेरा, लूसी से मिलो। तो घर आ गई, वो शॉपिंग वगैरह किया था, फर्नीचर ऑर्डर किया, सोफ़ा एक ऑर्डर की, डाइनिंग टेबल का तो आज हुआ नहीं क्योंकि मुझे कैटलॉग से कुछ पसंद ही नहीं आया, नेट वगैरह से देख के ऑर्डर कर लूँगी दो तीन दिनों में। तो यार कल मेजरमेंट लेने जाएगा हम मेरे नए घर पे, और कल से तो बनाना शुरू करेगा, हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। तो लो मैं घर आ गई और ये मेरा लूसी, फिर से एक बार बताती हूँ। और मैंने फैंसी बाजार से ढेर सारी शॉपिंग की अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, मेरे खुद के लिए, ढेर सारा नहीं थोड़ा कुछ। बिहू आ रहा है ना, आसाम का बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये, तो बिहू के लिए मैंने शॉपिंग की। तो चलो दिखाती हूँ क्या क्या खरीदी क्या क्या नहीं। तो गाइज ये मम्मी के लिए एक नाइटी ली, अभी खोलूंगी नहीं यार क्योंकि बिहू का कपड़ा ऐसे नहीं खोल सकते, जिस दिन मतलब पहला साल होगा उसी दिन ये पहनेगा, आसामिस न्यू ईयर जिस दिन शुरू होगा 1 तारीख को, तो उसी दिन मम्मी को ये दूंगी नाइटी। तो ये रहा हो गया एक नाइटी। तो और पापा के लिए, तो पापा के लिए खरीदी हूँ मैं एक ये हाफ पैंट, ये देख सकते हो, ये एक हाफ पैंट खरीदी हूँ गोयनका से, गोयनका से ये ले ली मैंने, पूरी फुल कॉटन का ही है, अच्छा लगा था मुझे, मतलब कंफर्टेबल होगा पहनने में। और देखो और ये इसको क्या बोलता है, ये चड्डी ले ली मैंने पापा के लिए, ये चड्डी कलर देखो, ब्लू कलर, ब्लू कलर में एक चड्डी खरीदी, इसको चड्डी बोलते हैं ना अंडरवेयर को, हाँ। और ये देखो ये बनियान, ये डॉलर का एक बनियान खरीदा, और इसको कितना लिया, 148 लिया, इसको 280 लिया, ये जॉकी का है। और मैंने लिया ये शू, ये शू इसका प्राइस आया 390, और एक सैंडल लिया देखो, और ये सैंडल भी लिया, इसका भी प्राइस आया 390। और क्या लिया, हाँ मैंने दो जीन्स भी लिया। ओके जीन्स के पहले ये दिखाते हूँ, ये वाली जो आसामिस ज्वेलरी है, ये वाली आसामिस मॉडर्न ज्वेलरी, ये देखो। तो बिहू का दिन पहला साल में, नए साल में पहनूंगी ये, पहला दिन बिहू का। तो और ये जीन्स लिया एक, देखो मुझे डार्क कलर की जीन्स बहुत पसंद है, तो ये एक जीन्स लिया देखो, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे लग रही है ये जीन्स, अच्छी लगेगी मैं पहनूंगी। और ये देखो ये दो जीन्स ली मैंने, दो सैंडल लिया, और मम्मी के लिए एक नाइटी, पापा के लिए एक अंडरवेयर, एक बनियान और एक हाफ पैंट ले लिया। तो आज का ब्लॉग यही था मेरा शॉपिंग। मेरे लिए क्या लाया, ये चूतिया मेरी दीदी, देखो क्या लाना चाहिए, ये खुद नौकरी करती है, इतना पैसा कमाती है, और मैं तो वो करती, गिफ्ट छोटा सा ही, देखो दोस्तों नहीं छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन गिफ्ट इज ए गिफ्ट, सुनो इसको इग्नोर करो, नहीं नहीं मुझे मतलब गिफ्ट इज ए गिफ्ट, इसको इग्नोर करो, मैं तो यार भाई मजदूर इंसान हूँ, जो मिला मैं उठा के लेके आई बाजार से। मजदूर को क्या पैसा नहीं मिलता है क्या, ये नौकरी करती है सरकारी नौकरी, आसाम पुलिस में करती है, वो भी कितना पैसा है तुम लोग खुद सोच लो। तो एनीवे गाइस आज का ब्लॉग तो दिखा चुकी हूँ सब, तो शॉपिंग वगैरह किया, तो कोई बात नहीं यार, आज का ब्लॉग में इतना ही था मेरा और कुछ नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू सो मच। रुक जा, ये क्या सैंडल लाई है बे, छी छी, पहन के देखो चूतिया, अच्छा है।